बाबा जी, कई बार ऐसा देखा जाता है, कुछ लोग केवल कल्पना में ही जीते हैं, दिमाग में इतना सारा मतलब अपना एक दुनिया बना लेते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं, और इसमें करियर में भी बहुत ज़्यादा उनका इफेक्ट होता है। तो जो कल्पना वाली जो दिमाग में जो खिचड़ी ये लोग बगाते हैं, कई बार खुद से ही खुद सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ लोग बोले कि हमारे थे, लेकिन हमें लगा कि आप ऐसा बोलेंगी, थैंक्स गॉड आपने ऐसा बोला, नहीं तो खुद से ही पूरा कल्पना कर लेते और हम सोच लिए थे कि हम तो आपसे लड़ेंगे, बट आपका तो यहाँ पे दूसरा एटीट्यूड, मतलब वो खुद से ही दिमाग में आपसे मिलने के पहले मतलब पूरा बना। तो ये जो अति कल्पना वाला होता है, कई बार स्टूडेंट भी ऐसा कल्पना गलत सही क्या बना लेते, पढ़ाई में प्रभाव पड़ता है, क्यों होता है ऐसा, बचाव का उपाय क्या है? देखिए, कल्पना क्या होता है, हमारा मन होता है। चंद्रमा विशेष रूप से जिसका मीन राशि में हो जाए वो बहुत काल्पनिक हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा मन है, इमोशन है, और उसको जब वो ज़्यादा इमोशन बढ़ जाता है तो व्यक्ति कल्पना करेगा, खा भी पुला पकाने लगता है। तो इच्छा शक्ति दृढ़ जिसका नहीं होता है वो कल्पना बना लेता है, कल्पना में सारा काम कर लेगा लेकिन जमीन पे कुछ नहीं कर पाएगा। करेक्ट। स्पेशली चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है, चंद्रमा के साथ स्पेशली जब केतु हो जाए, क्योंकि केतु के पास जो है सर नहीं होता है, तो जिधर दिमाग चला गया उधर चला गया, जिस सोच में लग गए बहुत बड़ा बड़ा सोच बना लेता है व्यक्ति, ठीक है। तो कल्पना करने का मुख्य कारण जो होता है चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा विशेष रूप से मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि में हो तो व्यक्ति ज़्यादा कल्पनाशील होता है, और उस पर केतु का प्रभाव अगर पड़ जाए तो निश्चित रूप से काल्पनिक होगा, और उसके साथ उसका इच्छा शक्ति अगर प्रबल न हो, मतलब तीसरा स्थान अगर उसका महत्व वाला नहीं हुआ, मजबूत नहीं हुआ, तब वो ज़्यादा गड़बड़ी करता है। कल्पना करना गड़बड़ नहीं, कल्पना करके उसको रियलिटी में बदल देना चाहिए। प्लान बनाइए, इमेजिन करिए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसको हम करें साथ में, ऐसा नहीं बस कम काफी पुलाव नहीं पकाना चाहिए। तो उसके लिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसके लिए नियमित रूप से शिव जी का पूजन करना चाहिए, और थोड़ा सा योग और ध्यान के द्वारा जो है इसको नियंत्रित किया जा सकता है।